ये सरकार विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। इतनी भयभीत और अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रही ने वाली ये सरकार लगातार ऐसी हर आवाज को जो इनको एक्सपोज करता है या जो इनके खिलाफ तथ्यों के साथ आर्ग्यूमेंट के साथ बोलता है, तो उसको उस हर आवाज को ये दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा में थे, वहां से उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे कि मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हुई, जो उनको निर्वस्त करके घुमाया गया, सरकार को अच्छा नहीं लगा, बाहर वो आर्ग्यूमेंट करते थे। कल हमने देखा कि किस तरीके से एक न्यूज पोर्टल से जुड़े हुए लोगों को उनको गिरफ्तार किया गया, और एक उस अखबार की रिपोर्ट पर कह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई स्टोरी छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी पर आपने इतनी कार्रवाई की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो क्या क्या छापा है सरकार के खिलाफ, सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड अघोषित आपातकाल है। हर उस आवाज को जो इस सरकार के खिलाफ उठ रही है उसको कहीं ना कहीं घेर करके दबाने की कोशिश हो रही है। और संजय सिंह जी के मामले में तो मैं ये समझता हूं कि ये और बड़ा एजेंडा है, क्योंकि उनका राज्यसभा का टर्म दिसंबर में एंड हो रहा है, तो दोबारा से उनका रिन्यूअल राज्यसभा में कैसे रोका जाए, वो भी एक मुझे उस साजिश की भी बुआ। कांग्रेस अभी ये भी कह रही है कि चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले ईडी सीबीआई आती है, बस तो यही बात है, इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार करके कह रही है कि वो तो एजेंसियां ही अपना काम करती हैं। बीजेपी तो पूरा देश ही विपक्ष को कुचलने का काम ही इन एजेंसीज के द्वारा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मतलब इतना दुरुपयोग कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। और मतलब ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। आप इतने डर गए हो, कितने लोगों के को आपने जेल में डाल रखा, यही एजेंसियां प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो तारीख पे तारीख लिए जाते हैं, और एक तरफा कार्रवाई हो रही है जहां पर सबूत हैं, जहां पर पुलिस भी, एजेंसी भी चार्जशीट कर रही है, उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला पहलवान खिलाड़ियां जो हैं धरने पर लगातार बैठ करके चली गई। आप ही के आईसी सरकार की दिल्ली पुलिस ने जो है कहा है कि वो मतलब दोषी है, लेकिन उनकी ना कहीं गिरफ्तारी हुई ना कोई वो हुआ। तो ये विंडेटा पॉलिटिक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं।